महाराष्ट्र की राजनीतिक लड़ाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को दी चुनौती। हरीश सालवे करेंगे पैरवी। शिवसेना की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी दलीलें देंगे। संजय राउत की धमकी वाले बयान पर एकनाथ शिंदे ने किया पलटवार। कहा शिवसेना को बचाने के लिए जान देना सौभाग्य की बात। राउत ने दी थी बागियों को धमकी। 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। गोवंडी में होने वाली उद्धव ठाकरे की रैली से पहले आदित्य ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर निशाना। शिंदे गुट पर मुख्यमंत्री की बीमारी का फायदा उठाने का लगाया आरोप। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। जर्मनी में भारतीय समुदाय के बीच पीएम मोदी का इमरजेंसी पर निशाना। कहा भारतीयों ने लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश को किया नाकाम। इमरजेंसी भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है। जर्मनी में G7 की बैठक के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने गिनाई भारत की उपलब्धियां। भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में कहा अगले 25 साल के लिए तैयार है भारत की आत्मनिर्भरता का रोडमैप। के बाद हमें कहां पहुंचना है, 25 साल के लिए आत्मनिर्भरता का रोडमैप भी तैयार है। उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ पर बीजेपी का कब्जा। रामपुर से घनश्याम लोधी और तो आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ जीते। सीएम योगी ने कहा उपचुनाव में जीत 2024 की तरफ इशारा। संघ के आशीर्वाद में इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया। यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए करेंगे नामांकन। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अखिलेश यादव समेत नामांकन के समय रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज मानसा कोर्ट में पेश किया जाएगा। मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस की कस्टडी बढ़ाने की मांग। पहले T20 मैच में टीम इंडिया ने आयरलैंड को 7 विकेट से हराया। दीपक हुड्डा ने नाबाद 47 रन की पारी खेली। दो T20 सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे।